हेलो दोस्तों, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विच। अज है जो नवा टॉपिक नवा सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मास्टर केडर का, वो है जी हिस्टरी। वन लाइनर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने मास्टर केडर लई। चलो जी स्टार्ट करते हैं। आगरे के लाल किले विच मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई सी? तो सन जी शाहजहां ने। सैकेंड है पुष्मित्र सुंग ने असभ मेघ जग किए सी, ये जानकारी किस ग्रंथ तो प्राप्त होंगी है? तो यह होंगी है जी महाभाषा विच। अत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये है जी ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नाँ के ग्रंथ का लेखक कौन है? वो है जी हैरोडोटस। उत्तर राम चरित्रम दे लेखक कौन सन? वो सन जी भवभूति। महमूद नाल भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज उपर किताब उल हिंद नामक किताब लिखी सी? किताब उल हिंद है तो लिखी सी अलबरूनी ने। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई अते जिसका अंत भी हत्या नाल ही होया सी? तो सी जी सुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख विच किस दियां उपलब्धियां दा उल्लेख है? तो वह है जी खारवेल दी उपलब्धियां दा। अगला प्रश्न है सिराजू दौला नाल अंग्रेजा की केड़ी संधि हुई सी? तो यह हुई सी जी अलीनगर दी संधि। नरेंद्र मंडल दी स्थापना दा सुझाव किस विच सी? ये सीगा जी जेम्स फोर्ड सुधारा विच। धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादक कौन सी? वो सन जी दादा भाई नारोजी। सल्तनत काल विच किले की सेना के खर्च लई निर्धारित भूमि नूं की कहा जाता सी? ता कहा जाता सी जी मफरूज। अगला प्रश्न है सल्तनत कालीन प्रांत की सेना की कहलाउंदी सी? तो कहलाउंदी सी जी हसम अतराफ। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह दे नाल किस दी गलबात दे परिमाण स्वरूप अमृतसर दी संधि होई? तो होई सी जी सर चार्लस मेटकाफ दे परिमाण स्वरूप है जो अमृतसर दी संधि हुई सी महाराजा रणजीत सिंह दे नाल। अगला प्रश्न है खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा नाल मित्रता कीती सी? तो राजा सी अरजिंदर प्रथम नाल। अगला प्रश्न है सल्तनत काल विच हक ए सरब की सी? तो यह सीगा जी सिंचाई कर। नाइब ए मामलिकात नामक अहुदे की रचना सल्तनत काल विच किसने की थी? ये की थी सी जी मुईज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल विच लोक निर्माण विभाग नूं की कहा जाता सी? तो यह कहा जाता है जी सोहरत ए आम। अगला प्रश्न है किस अभिलेख ने पुष्टि हुई कि पुष्मित्र सुंग ने अश्व मेघ जा कीता सी? तो यह कीता सी जी अयोध्या अभिलेख ने। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल विच बहमनिया ने अपनी राजधानी गुलबर्गा तो बदल के बिदर बनाई सी? तो वह सी जी अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर अते महमूद गजनवी के हमले समय उतों का शासक कौन सी? तो सी जी भीम प्रथम। अगला प्रश्न है फतह उस सुलातीन की रचना किसने अते कदों की? ये की सी जी इसामी ने। यदी टाइमिंग सी 1350। सतकर्णी की मौत तो बाद उसके दो नाबालग पुत्र वेदसी अते सक्ति श्री का तिलक किसने किया सी? ये गीता सीगा जी नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्त सती नाँ के ग्रंथ की रचना किस भाषा विच कीती सी? ये कीती सी जी प्राकृत भाषा विच। केड़ा शासक हरेक पंजवें साल प्रयाग विच धार्मिक सम्मेलन करता सी? वो शासक सीगा जी हर्षवर्धन। भुवनेश्वर अते पुरी दे मंदिर किस शैली विच हन? इस जी नागर शैली विच।
संगम जुगीन ग्रंथ तोलक पीएम किस विषय नाल संबंधित है? ए है जी व्याकरण अते काव नाल। अगला प्रश्न है जी, वैदिक काल विच पणी नां नाल जाने गए समुदाय का मुख धंधा की सी? तो यह सी जी वार, जिन्हों पणी नां दे नाल जाना जाता सी वैदिक काल विच। ऋग्वेद विच पुत्री लई ढुकवां शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ की है? तेरा अर्थ है जी गां का दोहन करन वाली। अगला प्रश्न है, संगम युग विच तामिलां दा सब तो लोकप्रिय देवता कौन सी? तो सी है जी मुरगन। चोल राजा ज्यादातर किस मत के अनुयायी सन? वो सन जी साहिब मत दे। अगला प्रश्न है, मुहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु विच संकेतक सिक्क्यां दा प्रचलन किया? तो वह किया जी कांसे विच। गुजरात नूं जित के किसने उसनूं दिल्ली सल्तनत विच शामिल किया? वो किया जी अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो नूं किस गायन शैली का जन्मदाता मन्या जाता है? तो वह मन्या जाता है जी कबाली शैली का। अगला प्रश्न है, कबीर की मौत तो बाद उसकी कब्र कित्थे बनाई गई? तो वह बनाई गई सी मगहर विच। गिरनार विच सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो यह करवाया सीगा जी चंद्रगुप्त मौर्या ने। अगला प्रश्न है, मैकसथ नीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्या समाज से जो किन्ने भागों में वंडिया हुआ सी? वो वंडिया हुआ सीगा जी सत्त वर्गों में, जिवें दार्शनिक, खेती, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्या, अधिकारी अते पार्षद। अगला है, ऋग्वेद विच किस देवता की रचना विच सब तो वध छंद हन? उन्हें जी इंद्र की रचना विच। कनिष्क की राजधानी कित्थे सी? वो सी जी पेशावर यानी कि पुरशपुर। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन दूसरे ने जिसकी उपाधि राज सिंह सी रांची विच किस मंदिर का निर्माण करवाया सी? तो करवाया सी जी कैलाश मंदिर का। एलोरा दे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया सी जी राष्ट्रकूट शासक ने, कृष्णा प्रथम सीगा। शेरशाह का मकबरा कित्थे है? वो है जी सासाराम। अकबरनामा के प्रमुख लेखक अबुल फजल की हत्या किसने कीती सी? वो कीती सी जी वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो नूं आसरा देने लई जहांगीर ने किस सिख गुरु नूं मौत दी सज़ा दित्ती? तो सन जी पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी नूं। पांडवों का उलेख सब तो पहला किस विदेशी यात्री ने किया सी? तो सन जी मार्क कोचलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम की सी? तो सीगा जी विपासा। छेवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व विच वातस महाजनपद की राजधानी कित्थे सी? तो सी जी कुसामवी। अगला है, पाटलीपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तय की सी जी उदयन ने। मगध का पहला राजवंश कौन सी? तो सी जी हरियंक वंश। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग का बोध मतावलंबी की कहते हैं? तो उन्होंने कहते हैं जी महा निष्क्रमण। सल्तनत काल विच अशवशाला के प्रधान नूं की कहा जाता सी? तो उन्हें कहा जाता सी जी अमीर ए आखूर। खालसा पंथ की स्थापना अते एक धर्म चार पहल नूं किस गुरु ने चलाया सी? तो सन जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सातवाहन वंश का महान शासक कौन सी? तो सीगा जी गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद विच विधि निर्माण के उद्देश तो किसी भारतीय नियुक्त किया गया सी? तो वह किया गया सी जी भारतीय कौशल अधिनियम 1861 के तहत। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने शुरू किया सी? ये किया सीगा जी बलबन ने। किस गवर्नर जनरल ने काल विच अंग्रेजी उच्च सिक्ख्या का माध्यम अते सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई सी? तो सन जी विलियम वैटिंग दे काल विच।
दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया सी? तय करवाया सीगा जी औरंगजेब ने। ते लास्ट प्रश्न है, सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? ये बनाया गया सी जी मौर्य वंश के काल में। सो दोस्तों ये हिस्टरी के मास्टर केडर के इंपोर्टेंट प्रश्न ने, तो जो कल कमेंट मिले कि उस दे रिलेटेड भी है जो वीडियो पाई जान जियोग्राफी ते हिस्ट्री सब्जेक्ट दी मास्टर केडर दियाँ, तो यह पहला पार्ट है, नाल ही SST का पार्ट भी चलता रहेगा। ये दोनों पार्ट कंटिन्यू चलते रहेंगे। और वीडियो किमें लगी लाइक तो अगे शेयर जरूर कर दौ, ता जो साढ़े नाल ज़्यादा तो ज़्यादा ऑडियंस जुड़ सके। फिर ही है जो असी नैक्सट कंटिन्यू पार्ट है जो प्रोवाइड कर देंगे। जेकर ऑडियंस ही हिस्ट्री सब्जेक्ट की घट होगी तो असी है जो दिक्कत आती है, इसलिए जी वीडियो में लाइक और शेयर जरूर करो। धन्यवाद जी।